नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7th संस्कृत का पाठ 11 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है समवायु ही दुर्जय। तो चलिए देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या है। एकादश पाठ मतलब 11 पाठ या 11 चैप्टर समवायु ही दुर्जय। समवाय का मतलब होता है एकता, ही मतलब निश्चय, दुर्जय मतलब दुर्जय होता है। तो एकता क्या है, दुर्जय होता है, या इसी को और अच्छे से समझते हैं, एकता जिस पर विजय पाना मुश्किल हो। पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति इसमें। पुरा अर्थात पुराने समय में या पहले समय में, एकस्मिन मतलब एक, वृक्षे अर्थात वृक्ष पर, एका मतलब एक, चटका अर्थात चिड़िया, प्रतिवस्ति इसमें मतलब रहती थी। तो पहले समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्य संतति जाता, कालेन अर्थात समय के साथ, तस्य मतलब उसकी या उसके, संतति जाता मतलब संतान उत्पन्न हुए। तो क्या है, समय के साथ उसके संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमथ गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत तस्य शाखां सुण्डेन आत्रुट्यत। एकदा मतलब एक बार, कश्चित् मतलब कोई, प्रमथ का मतलब होता है मस्त, गजः अर्थात हाथी ने, तस्य मतलब उस वृक्ष अर्थात वृक्ष के, अभय मतलब नीचे, आगत मतलब आकर के, तस मतलब उसकी शाखाम अर्थात टहनी को, सुंडन अर्थात सूंड से, आत्रोट मतलब तोड़ दिया। तो इसका अर्थ होगा कि एक बार कोई मस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीड़म भूबी आपतत, चटकाया चिड़िया का, नीड़म मतलब होता है घोंसला, भूवी अर्थात पृथ्वी पर या धरती पर या जमीन पर, आपतत मतलब गिर गया। तो चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विषण सीर्णानी, तेन मतलब उसके जो अंडे थे, इससे क्या हुए, उसके जो अंडे थे, अंडे शीर्णानी का मतलब होता है फूट गए, तो इससे अंडे फूट गए। अथसा चटका विपल व्यालपत, अथ मतलब इसके बाद, सह मतलब वह, चटका अर्थात चिड़िया, व्यालपत का अर्थ हो जाएगा रोने लगी। तब वह क्या है, इसके बाद क्या है, वह चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम आपृच्छत् भद्रे किमर्थम विलपसि। तस्या मतलब उसके, विलापम अर्थात रोने को, श्रुत्वार्थ सुनकर, काष्ठकूट नाम का खग अर्थात पक्षी, दुखेन ताम मतलब दुख पूर्वक, ताम मतलब उसको या उससे, आपृच्छत मतलब पूछा, तो उसने क्या है, उसके विलाप को सुन करके काष्ठकूट नामक पक्षी दुख पूर्वक उससे पूछा, भद्रे देवी किमर्थम विलपसी मतलब किस लिए रो रही हो, या हे देवी तू किस लिए रो रही है। इति मतलब ऐसा। चटका आवदत, चटका ने अर्थात चिड़िया ने, आवदत मतलब कहा, तो चिड़िया ने कहा। दुष्टनय केन गजेन मम संतति नाशितः, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो दुष्टन धन एकेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे एक दुष्ट ने, वो भी एक दुष्ट कौन, गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट गज अर्थात हाथी ने
मम मतलब मेरी, संतति अर्थात संतान को नासिता अर्थात नष्ट कर दिया है। तो यहां पे हम लेंगे कि चिड़िया बोली एक दुष्ट हाथी ने मेरे संतान को नष्ट कर दिया है। तस्यः गजस्य बधेन एव मम दुखम अपसरेत, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगी तो बधेन धन एव हो जाएगा। तस्य मतलब उस गजसंत हाथी के, बधेन अर्थात बध से या मारने से या हत्या से, ए मतलब ही, मन मतलब मेरा, दुखम अर्थात दुख, अपसरेत का मतलब होता है दूर होगा। तो वो बोली कि क्या है, उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख दूर होगा। तथा काष्ठकूटः ताम वीणा रभा नामनः मक्षिकाया समीपम आनयत। तथा मतलब उसके बाद, यथा काष्ठकूटः, काष्ठकूट ताम मतलब उसको, वीणा रभा, वीणा रभा नाम नर्तन नाम की मक्षिकाया अर्थात मक्षिका के समीपम अर्थात पास, आनयत मतलब ले गया। तो तब काष्ठकूटों से क्या है, वीणा रभा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम सुत्वा मक्षिका आवदत, तयो मतलब उन दोनों की वार्ता अर्थात बातों को, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, मक्षिका आवत मतलब मक्खी बोली, तो उनकी बात सुनकर मक्खी बोली, मम अपि मित्रम मंडुका मेघनाधा अस्ति, यहां संधि विच्छेद करेंगे तो मम धन अपि हो जाएगा। मम मतलब मेरा, अपि मतलब भी, तो मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद अस्ति मतलब है, तो मेरा भी एक मित्र मेघनाद नामक मेंढक है, मंडूक मतलब मेंढक है। शीघ्रम तम उपेत यथोचितम करिष्यामः, शीघ्रम अर्थात शीघ्र उसके पास, तम उपेत मतलब उसके पास जाकर, यथोचितम करिष्यामः मतलब जो उचित है तो उचित कार्य करिष्यामि मतलब करते हैं या करेंगे। तो शीघ्र क्या है, उसके पास जाकर उचित कार्य करते हैं। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरा सर्वं वृतांतं निवेद्य ताम। तदानीं, तदानीं के मतलब तब, तभी, तौ मतलब वे दोनों या उन दोनों ने, मक्षिकया सह, मक्षिका सह अर्थात मक्खी के साथ, गत्वा अर्थात जाकर, मेघनादस, मेघनाद के, पुरा मतलब होता है सामने, सर्वम अर्थात सारा, वृतांतम अर्थात वृतांत, निवेद्यताम का मतलब होता है निवेदन कर दिया। वृतांत का हम दूसरा अर्थ ले सकते हैं किस्सा। तदानीं तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा किस्सा निवेदित किया या निवेदन कर दिया। मेघनादः आवदत, मेघनाद ने कहा या मेघनाद बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरतम, यथा मतलब जैसा है मतलब मैं, कथयामि मतलब कहता हूं, तथा मतलब वैसा, कुरतम अर्थात करो, तो उसने कहा जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मक्षिके प्रथमं तुम मध्यांग ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु एन सहा नैने निमील्य स्थास्यति ही। मक्षिका अर्थात मक्खी, प्रथमम अर्थात पहले, त्वम अर्थात तुम, मध्यान का मतलब होता दोपहर के समय, तस्य गजस मतलब उस हाथी के कर्ण अर्थात कान में, शब्दम कुरु तो शब्द करो, एन मतलब जिससे, सहा नैने मतलब वह है, नैने मतलब आंखें या नेत्र, आंखें, निमीले का मतलब होता है बंद करके, और स्थाश्यति मतलब पड़ा रहेगा। तो उसने क्या कहा, मक्खी
पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करो, जिससे वह क्या है आंख बंद करके पड़ा रहेगा। तदा काष्ठकूटा चंचवा तस् नयने स्फुटिष्यन्ति। तदा मतलब तब काष्ठकूट क्या है, काष्ठकूट चंचवा अर्थात चोंच से, तस् मतलब उसके, नयने अर्थात आंखें, स्फुटिष्यन्ति मतलब फोड़ देगा। तो इसके बाद वो क्या करेगा, जो काष्ठकूट है वह क्या है चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा या फू डालेगा। एवं सह गजह अंधा, एवं मतलब इस प्रकार, सा मतलब वह, गजह मतलब हाथी, अंधा मतलब अंधा, भविष्यति मतलब हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह हाथी क्या है अंधा हो जाएगा। त्रिषार्थ सह जलाशयम गमिष्यति, त्रिषार्थ का मतलब है प्यास से पीड़ित या प्यास से व्याकुल। सह मतलब वह, जलाशयम अर्थात जलाशय को या तालाब को, गमिष्यति मतलब जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है वो उसे प्यास लगेगी, तो प्यास के कारण वह क्या करेगा तालाब को जाएगा या तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, मार्ग अर्थात रास्ते में, महान अर्थात बड़ा, गर्त अर्थात गड्ढा, अस्ति मतलब है, तो रास्ते में बड़ा गड्ढा है। तस् अंत के अहम स्थापिष्यामि सप्तम च करिष्यामि। तस् मतलब उसके अंत के अर्थात पास में, अहम मतलब में, स्थापिष्यामि अर्थात खड़ा हो जाऊंगा, सप्तम च करिष्यामि, च मतलब और, सप्तम अर्थात शब्द, करिष्यामि अर्थात करूंगा। तो उसने क्या क्या, उसके पास में खड़ा हो जाऊंगा और शब्द करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति चह। मम शब्देन मतलब मेरे शब्दों के द्वारा, तम मतलब उसको, गर्तम अर्थात गड्ढे को, उस गड्ढे को, जलाशय अर्थात तालाब, मत्व अर्थात मानकर, सह मतलब वह, तस्मिन्नेव मतलब उस ही गर्ते अर्थात गड्ढे में, पतिष्यति मतलब गिरेगा, च मतलब और, मरिष्यति मतलब मरेगा। तो उसके बाद क्या होगा, मेरे शब्द के द्वारा उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उस गड्ढे में ही गिर पड़ेगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडुकस् शब्दम् अनुसृत महत गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः चः। अथ मतलब होता है इसके बाद, और तब, तथा मतलब वैसा, कृते अर्थात करने पर, सह मतलब वह, गज मतलब हाथी, मध्याह्न मतलब दोपहर के समय में, मंडुकस मतलब मेंढक के, शब्द अर्थात शब्द को, शब्द का अनुसरण मतलब अनुसरण करके, महत मतलब बड़े, गर्तस मतलब गड्ढे के अंदर, अंत मतलब अंदर, पतिता मतलब गिरा, च मतलब और, मृता मतलब मरा। तब ऐसा करने पर क्या है वह हाथी दोपहर के समय में मेंढक के शब्द का अनुसरण करके बड़े गड्ढे के अंदर क्या हुआ गिर गया, मतलब उसका समय मेंढक के शब्द का अनुसरण करके वह बड़े गड्ढे के अंदर गिरा और मरा। तथा च उक्तम, तथा मतलब वैसे, च मतलब और, उक्तम अर्थात कहा गया है, तो और वैसे कहा भी गया है क्या, बहु नाम यहां संधि विच्छेद करेंगे तो अपि असराणाम समवायो ही दुर्जयः, तो बहु नाम अपसराणाम समवायो ही दुर्जयः। बहु नाम का मतलब होता है अनेक, अपि मतलब भी, असराणाम का मतलब होता है निर्मल, निर्बल मतलब जिनके पास बल नहीं होता, समवायु मतलब एकता या संगठन, ही दुर्जयः मतलब जीतने योग्य, मतलब मुश्किल से जीतने योग्य होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अनेक निर्बल अर्थात छोटे प्राणियों का संगठन या मेल भी
मुश्किल से जीतने योग्य होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, निर्बल थे फिर भी उनमें क्या है, एकता में संगठन में शक्ति होती, तो उनकी एकता में क्या शक्ति थी, इस कारण से उन्होंने क्या किया, इतने बड़े हाथी को क्या किया, मारकर डाल दिया, मार के गिरा दिया। तो इसलिए कहा गया है कि अनेक छोटे प्राणियों का संगठन भी मुश्किल से जीतने योग्य होता है, मतलब उस पर भी क्या कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ, पुरा अर्थात पहले, पुराने समय में, सुंडेन का मतलब होता है सूंड से, नीडम अर्थात घोंसले को, बी शीर्णानी का मतलब है यहाँ पर नष्ट हो गए। अब यहाँ पर तमुपेत है, तो तमुपेत का संधि विच्छेद करेंगे तो तम धन उपेत, तम मतलब उसके पास, उपेत मतलब जाकर के, तो उसके पास जाकर। मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर में, निमील का मतलब होता है बंद करके, स्थाष्यति मतलब रुक जाएगा, स्फोटिष्यति का मतलब फोड़ देगा, त्रिशाह इसका संधि विच्छेद करेंगे त्रिशाह धन अर्थ, त्रिशा का मतलब होता प्यास, अर्थ का मतलब होता पीड़ित, तो प्यास से पीड़ित, गर्त अर्थात गड्ढा, तथा कृति, तथा मतलब वैसा, कृति मतलब करने पर, वैसा करने पर, अनुसृत का मतलब होता है अनुसरण करके, पतितः मतलब गिर गया, मृत अर्थात मर गया, चोक्तम तो यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो चा धन उक्तम, चा मतलब और उक्तम मतलब कहा गया है, तो और कहा गया है, दुर्जया मतलब कठिनता से जीतने योग्य, बहुनाम पर सराणाम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बहुनाम अपि असराणाम, तो बहुनाम मतलब अनेक, अपि मतलब भी, असराणाम अर्थात निर्बलों का, तो अनेक निर्बलों का भी, समवाय मतलब समूह या संगठन, अभ्यास अर्थात अभ्यास प्रश्न शुरू होंगे यहां से। प्रश्न नंबर एक, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नानाम अर्थात प्रश्नों के, उत्तराणी अर्थात उत्तर, एक पद मतलब एक पद में लिखत अर्थात लिखो, तो प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। का वृक्षे का प्रतिवस्ती इसम, वृक्ष पर कौन रहती थी, तो यहाँ पे का की जगह आ जाएगा चटका, तो वृक्षे चटका प्रतिवस्ती इसम। खा वृक्ष सधय कहा आगता, वृक्ष के नीचे कौन आ गया, तो यहाँ पे कह की जगह आएगा गजा, वृक्ष से अदय गजा आगता, वृक्ष के नीचे हाथी आ गया। गा गजा केन शाखाम आत्रोट्यत, हाथी ने किस से शाखा को तोड़ दिया या तोड़ा, तो केन की जगह आ जाएगा सुंडेन, गजा सुंडेन शाखाम आत्रोट्यत, हाथी ने सूंड से शाखा को या टहनी को तोड़ दिया। काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम आनयत, काष्ठकूट चटका, चटकाम कस्या समीपम आनयत मत काष्ठकूट चिड़िया को, कस्या मतलब किसके समीप आने मतलब ले गया, तो किसके समीप ले गया, तो कस्या की जगह आएगा मक्षिकाया, तो काष्ठकूटः चटकाम मक्षिकाया समीपम आनयत, काष्ठकूट चिड़िया को मक्खी के समीप ले गया। मक्षिकाया मित्रम कहा आसीत, मक्षिका अर्थात मक्खी का मित्र कहा अर्थात कौन आसीत मतलब था, तो मक्खी का मित्र कौन था, तो कह की जगह आ जाएगा मंडूक मेघनाद, मेघनाद नामक मंडूक था, तो मक्षिकाया मित्र मंडूक मेघनाद, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं मेघनाद मंडूक कहा आसीत, दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर दो, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण कुरुत मतलब प्रश्नों का निर्माण करो, तो रेखांकित पद देखना है कहाँ कहाँ है, जैसे चटकाया नीड़म गजस चंचवा, तो इनको क्या है आधार मानकर इनके स्थान पर हमें प्रश्न वाचक शब्दों को रखना है।
कालेन चटकाया संतति जाता। तो यहाँ पर रेखांकित पद है चटकाया, तो चटका की जगह जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो कश्यः संतति जाता। चटकाया नीडम भूमि अपतत, चटकाया था चिड़िया का, नीडम था घोंसला, भूमि पर गिर गया। तो किस चटकाया नीडम भूमि अपतत, तो यहाँ पे नीडम की जगह हम लिखेंगे किम भूमि अपतत, मतलब चटका का क्या पृथ्वी पर गिरा या गिर गया, तो यहाँ पे आ जाएगा किम। गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत, मतलब हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ पर गजस की जगह आ जाएगा कस, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा कस वधेन एव मम दुखम अपसरेत, मतलब किसके वध से ही मेरा दुख हटेगा या दूर होगा। काष्ठकूटः चञ्च्वा गजस्य नयने स्फुटिष्यति, काष्ठकूट चंचवा अर्थात चोंच से, गजस मतलब हाथी की, नयने अर्थात आंखें, स्फुटिष्यति मतलब फोड़ देगा। तो यहाँ पे काष्ठकूट किससे है, हाथी की आंखें फोड़ देगा, तो यहाँ पे चंचवा की जगह हम लिखेंगे केन। तो काष्ठकूटः केन गजस नयने स्फुटिष्यति, काष्ठकूट किससे हाथी की आंखें फोड़ देगा। प्रश्न नंबर तीन, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्, मंजूषा से क्या है क्रियापदों को चुनकर रिक्तस्थानों की पूर्ति करो या रिक्तस्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर मंजूषा में दिए हैं करिष्यामि, गमिष्यति, आनयत, पतिष्यति, स्फुटिष्यति, त्रोटियति। अब हमें क्या करना है, जहां पर जो उचित है उनको चुन करके बाकी की पूर्ति करना है। का काष्ठकूटः चञ्च्वा गजस्य नयने, अब जो काष्ठकूट है वह क्या है, चोंच से हाथी की आंखों आंखें क्या कर देगा, फोड़ देगा। तो यहां पे आएगा स्फुटिष्यति, स्फुटिष्यति। खा मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम, मतलब मार्ग में स्थित मैं भी शब्दम अर्थात शब्द को, अब यहाँ पे क्या आएगा करिष्यामि अर्थात करूंगा। तो मार्ग में स्थित मैं भी क्या है शब्द को करूंगा, तो करिष्यामि। तिषार्तः गजा जलाशयम, मतलब प्यासे व्याकुल हाथी क्या है तालाब को, अब यहाँ पे क्या आएगा गमिष्यति मतलब जाएगा। तो तिषार्तः गजा जलाशयम गमिष्यति, गजह गर्थे, अब हाथी क्या होगा गड्ढे में, पतिष्यति मतलब गिर जाएगा या गिरेगा। तो गजह गर्ते पतिष्यति, काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम, काष्ठकूट क्या उसको मक्खी के समीप, अब यहां पर आएगा आनयत अर्थात ले गया। तो काष्ठकूट क्या है उनको क्या है मक्खी के पास ले गया आनयत। गजा सुंडेन वृक्ष शाखा, तो हाथी ने क्या है सूंड से वृक्ष शाखा को क्या किया था, त्रोट्यति मतलब तोड़ा था। तो गजा सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोट्यति। प्रश्न नंबर चार, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में, सॉरी एक वाक्य लिखत मतलब एक वाक्य में लिखो। तो प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो या लिखिए। का चटकाया विलापम सुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अप्रक्षत, चिड़िया के रोने को सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, देवी किमर्थम मतलब किस लिए रो रही हो। तो भद्रे किमर्थम विलपसति, इसको लिखेंगे चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अप्रक्षत, भद्रे किमर्थम विलपसी, और प्रश्नवाचक चिन्ह। खा चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम आवदत, चिड़िया काष्ठकूटस्य मतलब काष्ठकूट की,
चिड़िया और काष्ठभूत की वार्ता मर्था बातचीत को श्रोतवार्था सुनकर मक्षिका मतलब मक्खी ने किम अर्थात क्या आवर्त मतलब कहा या बोला। तो चिड़िया और काष्ठभूत की बातों को सुनकर के मक्खी ने क्या कहा, तो यहाँ पर आ जाएगा चटका या काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका आवदत् यत् कि मम अपि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपेत यथोचितं करिष्यामः। मम अपि मतलब मेरा भी मित्र क्या है, मेघनाद मंडूक है, शीघ्र अर्थात जल्दी, तमुपेत मतलब उसके पास जाकर, यथोचितं मतलब जैसा उचित है, करिष्यामि मतलब करेंगे, मतलब जैसा उचित है वैसा करेंगे। तो मम अपि मित्रः मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपेत यथोचितं करिष्यामः। गा मेघनादः मक्षिकां किम् आवदत्, मेघनाद ने मक्खी को किम् अर्थात क्या आवदत् मतलब कहा या बोला। तो मेघनाद ने मक्खी को क्या बोला, यहाँ पे आएगा मेघनादा आवदत्, मेघनाद ने कहा या बोला। यथा अहम कथयामि तथा कुरतम मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु एन सह नयने निमील स्थास्यति तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फुटिष्यति एवं सः गजा अंधा भविष्यति त्रिशार्तः सः जलाशयं गमिष्यति मार्गे महान गर्तः अस्ति तस्य अन्तके अहम् स्थापिष्यामि शब्दं च करिष्यामि मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा सः तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। उसने क्या कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, मक्खी सबसे पहले तुम क्या है, तो फिर के समय उस हाथी के कान में शब्द करो अर्थात आवाज करो, जिससे क्या है, इससे वह आंखें बंद करके बैठ जाएगा या रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटा चंचवा, उसके बाद क्या है, काष्ठकूट अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा, इस प्रकार वह हाथी क्या है अंधा हो जाएगा और प्यास से व्याकुल होकर वह क्या है तालाब को जाएगा। मार्ग में क्या है बड़ा गड्ढा है, उस के पास में मैं क्या करूंगा रुकूंगा और शब्दम च करिष्यामि और क्या करूंगा वहां पर शब्द करूंगा और मेरे शब्दों को सुनकर के वह क्या है उस गड्ढे कि गड्ढे को क्या है तालाब मान करके उस गड्ढे में ही गिर जाएगा और गिरने के बाद क्या हो जाएगा मर जाएगा अर्थात गिरेगा और मरेगा। तो ये बात उसने कही थी। अगला प्रश्न है चटका काष्ठकूटम किम आवदत, चटका ने काष्ठकूट को किम अर्थात क्या आवदत मतलब कहा या बोला। तो चटका ने काष्ठकूट को क्या बोला, तो चटका आवदत चटका ने कहा दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य बधेन मम दुखम अपसरेत, मतलब एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान क्या है नष्ट हो गई है और उस हाथी के बध से ही या उसके मारने के बाद ही क्या है मेरा दुख हटेगा या दूर होगा। तो दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशितः तस्य गजस्य वधेने मम दुखम अपसरेत। प्रश्न नंबर 5 उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत्, उदाहरणों का क्या है अनुसरण करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए, रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। का पुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्, यहाँ पर पुरुष है और यहाँ पर वचन है एकवचनम् द्विवचनम् और बहुवचनम्। यथा जैसे प्रथम पुरुषः मतलब प्रथम पुरुष एकवचनम् पठिष्यति द्विवचनम् पठिष्यतः बहुवचनम् पठिष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। अब हमें बनाना है
पतिष्यति का। प्रथम पुरुषः पतिष्यति एकवचनम्, पतिष्यतः द्विवचनम्, पतिष्यन्ति बहुवचनम्। ऐसे मरिष्यति प्रथम पुरुषः एकवचनम्, मरिष्यति द्विवचनम्, मरिष्यतः और बहुवचनम् मरिष्यन्ति। खा पुरुष मध्यम पुरुष, वचन एकवचनम्, द्विवचनम्, बहुवचनम्। यथा जैसे प्रथम सॉरी मध्यमः पुरुषः मतलब मध्यम पुरुष, एकवचनम् गमिष्यसि, द्विवचनम् गमिष्यतः, बहुवचनम् गमिष्यत्। मध्यम पुरुष धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यत्। तो एकवचनम् में धाविष्यसि, द्विवचनम् धाविष्यतः और बहुवचनम् धाविष्यत्। इसमें अंतर ये है कि द्विवचन में विसर्ग आता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है। मध्यम पुरुषः अव क्रीडिष्यसि एकवचनम्, क्रीडिष्यतः द्विवचनम् और क्रीडिष्यत् बहुवचनम्। गा पुरुष उत्तम पुरुष, वचन एकवचनम्, द्विवचनम्, बहुवचनम्। उत्तम पुरुषः उत्तम पुरुष, लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः, एकवचनम् में लेखिष्यामि, द्विवचनम् में लेखिष्यावः और बहुवचनम् में लेखिष्यामः। उत्तम पुरुष अब हम करेंगे हरिष्यामि हरिष्यावः सॉरी हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः, एकवचनम् में हसिष्यामि, द्विवचनम् में हसिष्यावः और बहुवचनम् में हसिष्यामः। उत्तम पुरुष द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः, एकवचनम् द्रक्ष्यामि, द्विवचनम् द्रक्ष्यावः, बहुवचनम् द्रक्ष्यामः। छः प्रश्न नंबर उदाहरण अनुसारम् स्म शब्दम् योजित्वा भूतकाले क्रियाम् रचयत्। उदाहरण के अनुसार स्म शब्द को जोड़ करके भूतकाले क्रिया की रचना करो या क्रिया बनाओ। यथा जैसे आवश्यक, आवश्यक में अब हम क्या करेंगे वस्ति स्म, तो वस्ती में इस्म लग जाएगा तो ये वस्ती इस्म क्या हो जाएगी भूतकालिक क्रिया बन जाएगी, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है आवश्यक या वस्ती इस्म। आवश्यक मतलब रहा या बसा और वस्ती इस्म मतलब रहता था, तो भूतकालिक में आ जाएगा आपका अर्थ था अर्थ में, इस्म शब्द का अर्थ निकलेगा था। आपठत आपठत का हो जाएगा पठती इस्म मतलब पढ़ता था। आत्रोट्यत आत्रोड़े मतलब तोड़ी, तो यहाँ पे हो जाएगा तोट्यति इसमें मतलब तोड़ता था। आपतत अर्थात गिरा और पतति इसमें मतलब गिरता था। आप्रक्षत मतलब पूछा, प्रक्षति इस मतलब पूछता था। आवदत अर्थात बोला, बदति इस मतलब बोलता था। अनयत ले गया, अनयति इस मतलब ले जाता था। तो इस प्रकार से क्या इस्म जोड़ देंगे तो इस्म जोड़ने से क्या है भूतकालिक अर्थ निकल जाएगा। प्रश्न नंबर सात कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। कोष्ठक से उचित पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान बालिका मधुरम गायती, बालिका क्या है मधुर गाती है मीठा गाती है, तो यहाँ पे बालिका क्या है स्त्रीलिंग है, तो हम स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ पर भी क्या है स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एक बालिका मधुरम गायती मतलब एक बालिका क्या है मीठा गाती है, तो यहाँ पर बालिका के अनुसार एक कहा जाएगा। कृषक कृषि कार्याणि कुर्वन्ति, किसान क्या है खेती के कार्य को करते हैं, तो यहाँ पर कृषक कृषि कार्याणि कुर्वन्ति ही, तो कृषक के अनुसार यहाँ पर पुल्लिंग का आएगा तो आ जाएगा चत्रशः। चत्रशः कृषक कृषि कर्माणि कुर्वन्ति मतलब चार किसान क्या करते हैं खेती का कार्य करते हैं। पत्राणि सुंदराणि संति, पत्ती क्या है सुंदर हैं, तो यहाँ पे आएगा तानी पत्राणि सुंदराणि संति।
तो यहाँ पे क्या नपुंसक लिंग के अनुसार क्या पे इसका नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पत्राणि के अनुसार हम लगाएंगे तानी पत्राणि सुंदराणि संति। धेनवः दुग्धं ददाति, क्या है धेनु अर्थात गाय क्या है दूध को देती है, तो धेनवः दुग्धं ददाति। वयं संस्कृतं खालिस्तान, तो हम सब क्या करते हैं संस्कृत को पढ़ें, तो हम सब संस्कृत को पढ़ें, तो यहां पे आ जाएगा आपठन, वयं संस्कृतम आपठन। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।